हेलो डियर स्टूडेंट, ग्लोबल एक्सिस ट्यूटोरियल चैनल में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, आज हम सब बात करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 10, जिसका नाम ब्रीथ है। डियर स्टूडेंट, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, इसका सॉल्यूशन को हम सब कारण सहित प्राप्त करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहते हो कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न आए और आसानी से सॉल्व कर पाओ, तो आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न जरूर आएंगे और ये 100% आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं प्रश्न नंबर 1 को पढ़ते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाले एक वृत्त है, तथा यहाँ पे बी ए सी कोण बराबर 60 डिग्री दिया है, तो ओ बी सी का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम सब चिन्हित करते हैं किसका मान दिया हुआ है। यहाँ पे बी ए सी का मान दिया हुआ वो 60 डिग्री है, और हम सबको किसका मान ज्ञात करना है, ओ बी सी का मान ज्ञात करना है। तो हम सब यहाँ पे ओ बी सी को चिन्हित कर ले। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले कौन ओ को हम सबको ज्ञात करना पड़ेगा, और कौन ओ को ज्ञात करने के लिए हम सब प्रमेय से जानते हैं कि वृत्त परिधि के किसी हिस्से में अगर कौन जो फॉर्म करता है सेंटर कौन का आधा होता है, तो वहाँ 60 है। तो इसलिए हम सब यहाँ पे कौन बी ओ सी यहाँ पे क्या कर लेंगे, उसका डबल कर लेंगे। तो यहाँ पे 120 हम सबको प्राप्त हो जाएगा। 120 प्राप्त हो गया, तो हम सब यहाँ पे ट्रायंगल आप देख सकते हो। यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा, बी ओ सी, यहाँ पे एक ट्रायंगल बहुत दिक्कत करता है, ये पेन नहीं चलेगा। हेलो डियर स्टूडेंट, ग्लोबल एक्सिस ट्यूटोरियल चैनल में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, आज हम सब बात करते हैं क्लास 10 का चैप्टर 10 पे, जिसका नाम वृत्त है। वृत्त से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, सभी पे हम सब डिस्कस करते हैं और कारण सहित आंसर को प्राप्त करते हैं। तो अगर आप चाह रहे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न आए सभी को आसानी से हल करो, तो आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए प्रश्न नंबर 1 पे बात कर लेते हैं। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, तथा बी ए सी 60 डिग्री यहाँ दिया हुआ है, तो ओ बी सी का मान हम सबको ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देख सकते हैं बी ए ओ का मान, बी ए सी का मान ज्ञात यहाँ पे ज्ञात है, इट मीन्स कि दिया हुआ है। और हम सबको यहाँ पे जो कोण है, इस कोण को ज्ञात करना है। यहाँ पे मतलब के कोण ओ बी सी को ज्ञात करना है। तो ओ बी सी क्या कोण तक जाने के लिए हम सबको यहाँ पे ओ कोण ज्ञात करना पड़ेगा। ओ कोण कैसे ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जो कोण है, ए कोण ओ का हाफ होता है, इट मीन्स कि ओ ए का डबल होता है। तो हम सब यहाँ पे क्या करेंगे, 60 का डबल लेंगे। तो यहाँ पे जो कोण बी ओ सी वो 120 हम सबको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सब ट्रायंगल पे बात कर लेंगे। ट्रायंगल यहाँ पे बी ओ सी, यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर में बी ओ सी, तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। तो 180 अगर हम सब 180 में अगर यहाँ 120 माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। 60 डिग्री प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे जो त्रिभुज है बी ओ सी, ये एक समझी बाहु त्रिभुज है, तो समझी बाहु के दो कोण जो होंगे ये बराबर होंगे। तो दोनों के लिए हमको जो मेज़र मिला हुआ 60, तो 60 का अगर हम सब यहाँ पे हाफ कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट, जो इस प्रश्न का जो सही आंसर है यहाँ ऑप्शन डी, 30 डिग्री। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 को आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर की मैंने, तो पी टी तथा पी एस दो स्पर्श रेखा ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार से है कि कौन टी पी एस 65 डिग्री है, तो हमें ओ टी एस का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जिस कोण का मान ज्ञात है उसको हम सब चिन्हित कर लेते हैं, टी पी एस। तो टी पी एस आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका मान यहाँ पे 65 डिग्री गिवेन है। तो यहाँ पे जो एक चतुर्भुज आपको दिख रहा है, चतुर्भुज ओ टी पी एस, इसका जो सम्मुख कोण है, इसका दोनों कोणों का जोड़ 180 हो जाता है। तो एक कोण तो हम सबको यहाँ पे 65 डिग्री दिया हुआ है, तो दूसरा कोण जो यहाँ पे टी ओ एस जो दिख रहा है, इसको प्राप्त करने के लिए हम सब क्या करते हैं, यहाँ पे हम सब 180 माइनस 65 कर लेते हैं। तो 180 माइनस 65 करने पर हम सबको यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाता है, यहाँ पे 115 यहाँ पे प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे ओ
TOS 115 प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पे फिर से हम सब देख सकते हैं कि टी कौन टी और यहाँ पे कौन एस जो है ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो उसके लिए हम सब मेजर प्राप्त कर लेते हैं, ट्रायंगल पे बात कर लेते हैं। ट्रायंगल का तीनों कोण का जोर 180 होता है, तो एक कोण तो हम सबको प्राप्त हो चुका है 115। तो 180 से अगर हम सब 115 को घटा देते हैं तो ये दोनों कोणों के लिए जो मेज़र है वो हम सबको प्राप्त होगा। तो इसको घटा के यहाँ पे कितना हो जाएगा, 65 डिग्री हम सबको प्राप्त होता है। तो 65 है दोनों कोण के लिए। तो यहाँ पे कोण क्या मांगा गया है, OTS, तो कोण यहाँ पे OTS के लिए हम सब क्या करेंगे, 65 का हाफ कर देंगे, क्योंकि वो दोनों कोण बराबर होगा। 65 का हाफ करेंगे तो हम सबको यहाँ पे क्या मिल जाएगा डियर स्टूडेंट, 32.5। तो आप देख सकते हो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही है। अब हम सब चलते प्रश्न नंबर 3 पे बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 में देख सकते हैं आप, नीचे दिए गए चित्र AP स्पर्श रेखा है तथा AP बराबर OP बराबर 2 cm है, तो यहाँ पे AO की लंबाई क्या होगी। तो AO की लंबाई ज्ञात करनी है हम सबको यहाँ पे। तो यहाँ पे मेजर किसका किसका गिवेन है, AP का गिवेन है, यहाँ पे AP और OP का गिवेन है, और दोनों 2 cm का है। जब 2 cm का है तो हम सब पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम सब किसका मान को ज्ञात करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को लगा के यहाँ पे AO का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो AO बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे AO बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस फिर से 2 का स्क्वायर पे यहाँ पे रूट देंगे तो हम सबको यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 प्लस यहाँ पे 4 होगा। तो हम सब 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 पे रूट हम सब यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और रूट 2 वहाँ पे 2 ही रहेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 2√2 आप देख सकते हैं ऑप्शन सी जो बिल्कुल सही है। तो डियर स्टूडेंट अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 में यहाँ पे क्या है, दिए गए चित्र PT एक स्पर्श रेखा है और OP बराबर OT है, तो ये किस प्रकार का त्रिभुज है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो भुजाएं, दो भुजाएं जो बराबर यहाँ पे बताया गया है, कौन सी भुजाएं दो बराबर बताया गया, OP। तो हम सब यहाँ पे OP को चिन्हित कर लेते हैं और कौन सा, OT को चिन्हित करते हैं। जब दो भुजाएं इसकी बराबर हो गई तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया ये। और यहाँ पे जो स्पर्श बिंदु है, यहाँ पे स्पर्श बिंदु से केंद्र पर जो खींची गई जो रेखा होती है वो लंब होती है, तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसलिए इसका जो आंसर सही है वो ऑप्शन बी, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, दिए गए चित्र में यदि ATO बराबर 40 डिग्री दिया हुआ है तो AOB का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो हम सब यहाँ पे बात कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे चिन्हित करते हैं कि किसका मान यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ATO यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये 40 डिग्री है। तो डियर स्टूडेंट ये 40 डिग्री है, तो इधर का जो कोण बचा हुआ है ये कितना हो जाएगा, ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। इट मीन्स कि कोण यहाँ पे ATB यहाँ पे कितना हो जाएगा, वो 80 डिग्री हो जाएगा उसका। तो यहाँ पे 80 डिग्री वो हो गया कौन, तो यहाँ पे एंगल इस उसकी सहायता से हम सब कौन सा एंगल को प्राप्त कर सकते हैं, एंगल AOB। तो AOB 80 का डबल हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। 160 जब यहाँ पे हम सबको केंद्र पे कोण प्राप्त हो चुका है तो अब हम सब क्या करेंगे, प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे AOB मांगा गया है, तो AOB यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे AOB कोण माना गया है, तो AOB का मान को हम सबको ज्ञात करना है। तो AOB वहाँ पे 80 डिग्री हो गया, 80 डिग्री का ये कितना हो जाएगा, डबल होगा, तो दोनों चलो 160। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे 160 जो, तो ATB
अब हम सब प्रश्न नंबर 5 पे बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है, आप देख सकते हो दिए गए चित्र में यदि ए टी ओ 40 डिग्री है तो ए ओ बी ज्ञात करना। तो यहाँ पे ए टी ओ यहाँ पे चिन्हित हम सब कर लेते हैं। ए टी ओ आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ ए टी ओ यहाँ पे 40 डिग्री दिया हुआ है। तो जब 40 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कोण आपको ए टी बी क्या हो जाएगा, ए टी बी उसका डबल हो जाएगा। तो कोण ए टी बी यहाँ पे उसका डबल होगा, तो 40 दुनिया 80 हो गया डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे 80 हो गया। तो इसलिए अब हम सब इस कोण की सहायता से हम लोग कोण ए ओ बी को प्राप्त कर सकते हैं। ए ओ बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम सब क्या करेंगे, ये दोनों सम्मुख कोण का जोड़ 180 होगा। तो 180 माइनस यहाँ पे 80 कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 डिग्री यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हो ऑप्शन ए जो बिल्कुल सही है, 100 डिग्री। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है, चित्र में PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, यदि APO 30 डिग्री है, आप यहां पे देख सकते हो 30 डिग्री दिया हुआ है, तो AOB का मान हम सबको ज्ञात करना है। तो AOB देख सकते हैं A, तो यहां पे हम सब चिन्हित करते हैं किसका मान ज्ञात करना है, AOB। तो डेस्टन जब ये 30 है, तो ये कोण जो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोण ए पी बी, तो ए पी बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 का डबल हम सब लेंगे, 30 का थी 60 डिग्री होगा। फिर हम सब क्या करेंगे, 180 माइनस 60 करेंगे, तो ये जो कोण जिसके बारे पूछा गया वो कितना प्राप्त हो जाएगा, 120। तो डेस्टन आप देख सकते हो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7, बगल में चित्र जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे OPB की माप क्या होगी, OPB का माप हम सबको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देख सकते हैं प्रश्न में OPB एक कोण है, कोण का मेजर हम सबको ज्ञात करना है। तो OPB के लिए हम सब क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि ये लंब है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे OP क्या हो जाएगा, OP इस फिगर में लंब है, लंब है, तो यहाँ पे कोण कोण पे हम सब बात कर लेते हैं, कोण OP। और यहाँ पे अगर हम सब माने कि A है, तो OPA का मान अगर हम सब ले लेते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे एक कोण उसका जो हिस्सा है वो 50 डिग्री दिया, तो 90 में अगर हम सब यहाँ पे 50 डिग्री माइनस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम सबको प्राप्त हो जाएगा 40 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे 40 ऑप्शन बी जो बिल्कुल सही आंसर है। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे बात कर लेते हैं। बगल में चित्र यहाँ पे दिया हुआ है और पी ओ क्यू की मान को यहाँ ज्ञात करना है हम सब। तो चलते हैं यहाँ पे फिगर को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ चिन्हित कर लेते हैं कि पी ओ क्यू कहाँ पे है, पी ओ क्यू, तो हम सबको यहाँ दिख गया पी ओ क्यू। तो ये जो कोण आपको यहाँ 30 डिग्री दिख रहा है, और ओ पी जब परपेंडिकुलर हुआ, चूँकि स्पर्श बिंदु से केंद्र पर खींची गई रेखा है, तो कोण यहाँ पे ओ ओ पी क्यू यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, और एक कोण 30 डिग्री हुआ, दोनों का अगर 90 प्लस 30 अगर हम सब करते हैं, 90 प्लस 30 अगर करते हैं, तो यहाँ पे 120 मिल जाता है, 120 मिल जाता है, चूँकि ये ट्रायंगल है। तो हम सब 180 माइनस अगर हम सब कर लेते हैं यहाँ पे माइनस 120, तो इसके लिए कितना बच जाता है डेसन, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन ए जो बिल्कुल सही है। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे बात कर लेते हैं। 9 में आप देख सकते हो दिए गए चित्र में ओ दो संकेंद्री वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या 3 cm है और 5 cm है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ए बी बाह्य वृत्त की जीवा है, तो अंत वृत्त को स्पर्श करती है, तो जीवा ए बी की लंबाई यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो ए बी की लंबाई को यहाँ पे ज्ञात करना है, तो हम सब पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसका मान को ज्ञात कर ले, तो यहाँ पे क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, पाइथागोरस थ्योरम में हम सबको मांगा क्या गया है, तो इस फिगर में सबसे पहले हम सब ए पी को ज्ञात कर लेते हैं। अगर ए पी को ज्ञात कर लेंगे, उसका डबल करेंगे, तो हम सबको ए बी प्राप्त हो जाएगा। तो ए पी के लिए हम सब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो 5 का स्क्वायर माइनस
थ्री का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेनियस हम सब गिवेन है और यहाँ बेस निकाल रहे हैं, एपी निकाल रहे हैं, तो एपी के लिए इस हम सबको यहाँ माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 25 माइनस यहाँ 9 करेंगे, तो 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 25, तो 25 माइनस 9 करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम सब क्या करते हैं इसको रूट चला देते हैं हम, तो 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, एपी ज्ञात करना है, एपी। तो अब हम सब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। आप देख सकते हैं दिए गए चित्र में ओ दो संकेंद्री वृत्तों जिनकी त्रिज्या 3 cm और 5 cm है यदि केंद्र है, तो ए बी बाह्य वृत्त की जीवा है जो अंतः वृत्त को स्पर्श करती है, तो जीवा ए बी की लंबाई को ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम सबको ए बी की लंबाई को ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम सब क्या कर लेते हैं, हम सब सबसे पहले ए ओ पी त्रिभुज में आ जाते हैं। ए ओ पी त्रिभुज में अगर हम सब बात करें तो यहाँ पे जो त्रिज्याएं गिवेन है, ए ओ यहाँ पे गिवेन है ए ओ, और दूसरा यहाँ पे ओ पी आपको यहाँ पे गिवेन है, दोनों जो छोटा बड़ा त्रिभुज है उसकी त्रिज्या गिवेन है। तो त्रिज्या जब गिवेन है तो हम सब इससे उसकी सहायता से ए पी निकाल लेते हैं। तो ए पी निकालने के लिए हम सब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए पी के लिए हम सब पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर लेते हैं। तो हम सब यहाँ पे क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर ले लेते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 का स्क्वायर। अब हम सब क्या करते हैं, यहाँ पे हम सब 25 माइनस 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम सबको क्या प्राप्त हो जाएगा, 16। तो 16 अगर आ गया तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम सबको यहाँ पे ए पी प्राप्त हो गया 4, और ए पी चूँकि हम सबको ए बी ज्ञात करना है तो ए पी का डबल ए बी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 4 × 2 कर लेंगे, 4 × 2 अगर कर लेंगे तो यहाँ पे 8 cm आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो बी ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये बी ऑप्शन 8 cm, ये आंसर बिल्कुल सही है। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे बात कर लेते हैं, किस पे बात करते हैं डिसन, प्रश्न नंबर 10 पे। तो प्रश्न नंबर 10 को आप यहाँ पे देख सकते हो, पीटी दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है और ओ टी बराबर 6 cm है और ओ पी बराबर 10 cm है, तो स्पर्श रेखा यहाँ पी टी की लंबाई को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 6 cm और 10 cm, इसका हम सब प्रयोग कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम सब पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम सबको मान करना है, पी टी का मान ज्ञात करना है, तो 10 cm आपको दिया हुआ है ओ पी, तो ओ पी का स्क्वायर जैसे हम सब पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे हम सब क्या कर लेते हैं, यहाँ 10 का स्क्वायर करते हैं, तो 10 का स्क्वायर माइनस यहाँ ओ टी, ओ टी का मान कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर यहाँ पे हम सब करेंगे, रूट अगर डालते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैसा है सो लड़का है, दिमाग काम नहीं करता है, चोर सबका तो यहाँ पे बैठ जाए, जब गेट यहाँ ब्लॉक था, अब वीडियो बना रहे थे लेकिन चुप जाओगे, तो वीडियो नहीं बना रहे तो क्या कर रहे, क्या कर रहे सर, वीडियो ही बना रहे, तो क्या बोल दिए। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में यहाँ क्या पूछा जा रहा है, पीटी दिए गए चित्रों में ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है यदि ओ टी बराबर 6 cm और ओ पी बराबर 10 cm है, तो यहाँ पी टी की लंबाई ज्ञात करनी है। पी टी जो आपको यहाँ स्पर्श रेखा दिख रहा है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो आइए हम सब क्या करते हैं, सबसे पहले पी टी की लंबाई यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको पहले ध्यान में यहाँ करते हैं, ओ टी, यहाँ पे ओ टी कितना दिया है, ओ टी 6 cm, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रेखा आपको दिख रहा है ये 6 cm दिया हुआ है, और ओ पी जो दिख रहा है यहाँ पे ये ओ पी 10 cm दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, पी टी निकालना है, पी टी जो स्पर्श रेखा है, इसके लिए हम सब क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लेते हैं।
पैथागोरस थ्योरम के लिए अगर हम सब यहाँ पे पीटी निकालते हैं तो पीटी बराबर हम सब यहाँ पे क्या लिख देंगे, पीटी बराबर यहाँ पे हो जाएगा टेन का स्क्वायर माइनस यहाँ सिक्स का स्क्वायर, इस पर होल रूट कर देते हैं तो टेन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, टेन का स्क्वायर यहाँ पे हंड्रेड हो जाएगा, हंड्रेड माइनस 36 हो जाएगा यहाँ पे होल रूट हो जाएगा। अब हम सब क्या करते हैं यहाँ पे माइनस कर देते हैं, 36 अगर माइनस किया जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 64, तो रूट ऑफ 64 तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8 हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे 8 हो जाएगा 8 cm। तो ऑप्शन ए 10 का बिल्कुल सही है। अब हम सब प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। 11 में यहाँ देख सकते हैं आप, इसमें पूछा जा रहा है कि दिए आकृति में पीटी स्पर्श रेखा है और QR एक व्यास है, तो RPT बराबर 50 डिग्री है, तो QRP का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो हम सब देख लेते हैं QRP कौन सा, आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे चिन्हित किया गया है, ये QRP आपको दिया, तो ये 50 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 50 डिग्री, क्योंकि अगर हम सब यहाँ पे देखें QR को देख लेते हैं, यहाँ पे QR इज पैरेलल टू, हम सब यहाँ पे PT ले लेते हैं, पैरेलल टू PT हो गया। तो यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे एंगल R जो है इसका मान भी 50 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, चूँकि रेखाएँ समांतर है इसलिए, तो यहाँ ऑप्शन भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पे बात कर लेते हैं। 12 में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, दिए गए चित्र में ABC के भुजाओं को अंतःवृत्त की त्रिज्या PQR पर स्पर्श करती है, यदि AP बराबर 4 cm, BP बराबर 6 cm, AC बराबर 12 cm, तो BC बराबर 1 cm है, तो x का मान यहाँ पे हम सबको ज्ञात करना है। तो चलते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 12 का जो मान है उस पे देख सकते हैं हम सब यहाँ पे क्या है, तो BC जब x दिया हुआ है तो हम सब x का मान को यहाँ पे पहले लिख देते हैं, BC के जगह BC का ही मान हमको निकालना है, तो AP 4 cm है, तो AP 4 cm हम सब यहाँ पे लिख देते हैं AP, तो यहाँ AP 4 cm हो गया। BP देख लेते हैं, BP कितना है, BP 6 cm हो गया, यहाँ पे 6 cm BP हो गया। AC कितना है, AC आपको यहाँ से यहाँ तक जो रेखा है ये 12 cm गिवेन है, तो हमें ज्ञात करना क्या है, हमें ज्ञात करना है यहाँ पे BC, तो BC के लिए हम सबसे पहले BQ को ज्ञात कर लेते हैं, तो BQ बराबर क्या हो जाएगा, BQ बराबर यहाँ पे 6 cm हो जाए, क्योंकि बाह्य बिंदु यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ B जो दिख रहा है बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो खींची गई स्पर्श रेखा होती है वो समान होती है, मतलब जो आपको यहाँ पे BP दिख रहा है और यहाँ BQ दिख रहा है ये दोनों 6 cm का होगा, इसलिए BQ बराबर हम सब यहाँ पे 6 cm लिख लिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं, चूँकि यहाँ पे AR भी 4 cm हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 4 cm 12 में अगर हम सब 4 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे RC 8 हो जाएगा, तो 8 हो गया, तो इसलिए यहाँ पे QC भी कितना हो जाएगा, QC भी 8 हो जाएगा, तो इसलिए हम सब अगर BC पे बात कर ले तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा BQ प्लस QC, तो यहाँ पे हम सब क्या कर लेते हैं 6 + 8, तो 8 कितना हो जाता है 14, तो यहाँ पे BC बराबर 14 cm, जो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पे देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 में क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न नंबर 13 में पूछा जा रहा है 6 cm त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 cm दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई रेखाओं की लंबाई क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे हम सब चलते हैं, तो एक फिगर हम सब पहले यहाँ पूछा जा गया है क्या कि जब किसी 6 cm त्रिज्या वाले, तो यहाँ पे एक वृत्त हम सब यहाँ पे खींच लेते हैं ताकि समझ में आ जाए, माने कि ये 6 cm वाला एक क्या है वृत्त है, 6 cm हम सब यहाँ पे खींच लिए और वहाँ से एक बिंदु आपको बाह्य बिंदु यहाँ पे खींचा गया है और एक रेखा यहाँ पे,
तो यहाँ पे जो बोला गया है बाह्य बिंदु से दूरी, जैसे इसका 8 cm है और आपको त्रिज्या यहाँ पे 6 cm हो गया, तो पूछा क्या गया है बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा है, खींची गई रेखा की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पे हम सब क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री अगर हो जाएगा तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस आपको यहाँ पे ये जो 8 cm दिख रहा है हाइपोटेनस हो गया। तो हम सबको इसके अलावा जो भुजा है उसका लंबाई ज्ञात करनी है, तो हम सब क्या करेंगे उसकी लंबाई के लिए हम सब क्या करते हैं 8 का स्क्वायर करते हैं, 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कर देते हैं, इस पर रूट कर देते हैं, 64 हो जाएगा, 64 माइनस 36 हो जाएगा, 64 माइनस 36 यहाँ पे कितना हो जाएगा, चौंसठ माइनस 36 यहाँ पे 28 हो जाता है। तो 28 हम सब यहाँ पे √28 कर लेते हैं, तो 28 हो गया। तो 28 का तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो हम सबको क्या यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम सब यहाँ पे लिख सकते हैं 2√7, 2√7 इसका आंसर आएगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, 7 × 28 होता है, तो यहाँ पे इसको फिर लिख देते हैं कि 4 × यहाँ पे 7 होगा, तो 4 का तो √2 यहाँ पे निकल गया और √7 को √7 लेने, तो यहाँ पे 2√7 जो ऑप्शन सी आपको दिख रहा है बिल्कुल सही आंसर है। अब हम सब चलते प्रश्न नंबर 14 पे। प्रश्न नंबर 14 में क्या पूछा जा रहा है, जब किसी छेदक रेखा के दोनों सिरे समपाती हों तो वो होगा, वो क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन है जीवा होंगे, स्पर्श रेखा होगी, कोई रेखा नहीं होगी, सभी उत्तर सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ये एक स्पर्श रेखा होगी। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 में। दो वृत्त बाह्यता मतलब के बाहर से स्पर्श करता है, कहीं पे छूता है और उनकी त्रिज्या 11 cm और 6 cm है, तो दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर हम सब 15 पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे 15 में हम सब क्या करते हैं, यहाँ पे 15 के लिए एक वृत्त को खींचते हैं सबसे पहले। 15 के लिए ये रहा, आप वृत्त खींच लिए, ये एक वृत्त खींच लिए। अब क्या करते हैं हम सब, दूसरा एक यहाँ पे प्रश्न में दो वृत्त बाह्यता स्पर्श करता है मतलब के बाहर से एक दूसरे को छूता है, तो एक वृत्त ऐसे खींच लेते हैं हम सब। अब क्या 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 बोला जा रहा है इसमें, उनकी त्रिज्याएं 11 cm 6 cm, तो एक माने 6 cm है और दूसरा क्या है यहाँ पे माने कि 11 cm है, तो 6 cm इसको मान लेते हैं, 11 cm इसको मान लेते हैं, तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो 11 + 6 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, तो दोनों का जो केंद्र की जो दूरी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 6 + 11, ये कॉमन सा एक क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया यहाँ पे, तो 17 cm जो आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पे बात कर लेते हैं। दो वृत्त संकेंद्री हो और उनकी त्रिज्याएं 9 cm 6 cm है, तो उसकी केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी यहाँ पे। तो दो वृत्त संकेंद्री होगी, तो संकेंद्री में तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे संकेंद्री है तो दोनों का केंद्र एक ही जगह स्थित होगा, इसलिए इसके केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ऑप्शन डी मतलब कि 0 होगा, इसमें से जो 0 होगी इसकी दूरी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हम सब पा लिया। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पे बात करते हैं। अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है, अर्धवृत्त पे हम सब देख सकते हैं। तो वृत्त अगर हम सब खींच के देखें यहाँ पे, चलिए एक वृत्त को खींच लेते हैं, ये वृत्त होता है, तो अर्धवृत्त के बारे में पूछा गया है कि अर्धवृत्त का कोण कितना होता है। आप ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पे, ऑप्शन में क्या है, 45 डिग्री,
30 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितना, अर्धवृत्त का कोण। यहाँ पे ऑप्शन डी दिया गया है, तो इसमें अर्धवृत्त का कोण ऐसे 180 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डी दिया हुआ है। तो डी में अगर 180 रखते हैं हम सब वैल्यू को, तो यहाँ डी ऑप्शन सही होगा 180 रखने के बाद। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पे, चल बात कर लेते हैं। यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्या के योग के तुल्य हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं की संख्या कितनी होगी। तो उभयनिष्ठ जो रेखाएं हैं उसकी संख्या एक होगी, दो होगी, तीन होगी या चार होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या तीन हो जाएगी। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पे बात कर लेते हैं, सॉरी प्रश्न नंबर 19 पे बात करते हैं। एक वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच क्या संबंध होता है। समांतर होते हैं, आपस में अभिलंब है और समांतर है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये रेखाएं आपस में समांतर होती है। अब हम सब चलते हैं प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के किस बिंदु से होकर जाता है। तो इसका ऑप्शन है वृत्त के किसी बिंदु से भी, वृत्त के केंद्र से, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। अब हम सब प्रश्न नंबर 20-21 पर बात कर लेते हैं। ओ केंद्र वाले वृत्त पर बिंदु P से PQ स्पर्श रेखा खींची गई है और QOR वृत्त की एक व्यास इस प्रकार है कि POR बराबर 120 डिग्री और OPQ का मान हमें ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट, हम सब इसको फिगर से समझ लेते हैं। माने कि यहाँ पे एक वृत्त है, ये हम सब प्रश्न नंबर 21 का आंसर को जानते हैं। तो वृत्त खींच लेंगे, ये स्पर्श रेखा, सॉरी इसको मैं दोबारा बना देता हूँ। तो एक वृत्त है, ये वृत्त खींच लिए, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है बाह्य बिंदु पे, ये स्पर्श रेखा खींच लिए। तो यहाँ पे जो केंद्र से रेखा है, यहाँ पे जो केंद्र अंतरित करती है, यहाँ कौन, यहाँ बोला गया है 120 डिग्री। यहाँ का कौन जो है, ये कौन 120 बताया जा रहा है। तो 120 अगर वहाँ पे हो गया तो हमें कौन किसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पे, यहाँ पे हमें OPQ का, तो हम सब नेम भी यहाँ पे कर लेते हैं। सपोज ये Q है, ये P है, ये R है और ये O है। तो O यहाँ पे क्वेश्चन में OPQ, तो OPQ हम सब देख लेते हैं OPQ। तो OPQ जो कौन है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 120 गिवेन है। तो 120 अगर गिवेन है तो इधर आपको जो एंगल यहाँ से यहाँ पे कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 60 मिल जाएगा। 60 हो गया ये, और यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाता है तो 90। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 प्लस 60, और इसको हम सब 180 से माइनस कर देंगे। तो 180 माइनस 150, तो इक्वल्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है जो 21 का क्वेश्चन का, ये 30 डिग्री आपको दिख रहा होगा,